गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज किचन। मैं हूँ लीना और फिर मैं आज आपके सामने बिल्कुल एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो भी विंटर स्पेशल, सोया आलू की सब्जी और मेथी के पराठे। और मेथी के पराठे फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल नए स्टाइल में, मैंने लच्छा पराठा का शेप देते हुए बनाया है, जो बिल्कुल आपके लिए नई लगेगी। लच्छा पराठा तो आप लोग जरूर बनाते होंगे, लेकिन मैंने मेथी के पराठे को लच्छा स्टाइल में बनाया है। तो अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूले। वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए झटपट से मैं दिखाती हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं झटपट से ये बहुत ही अच्छी विंटर स्पेशल नाश्ता आपके सामने बना करके दिखाती हूँ। मेथी को देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, सोया को भी, और यहाँ आलू बॉयल करने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ देखिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अजवाइन मंगरेल है और सोया और मेथी को अच्छी तरह से धो करके मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक बड़े टमाटर और ये गेहूं का आटा है मेथी के पराठे के लिए, ये मैंने आलू बॉयल करके और अच्छी तरह से छील लिया है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मेथी के पराठे के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैं मिलाऊंगी अजवाइन मंगरेल, थोड़े से रिफाइन, और देखिए नमक स्वाद के अनुसार, और ये थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड करूंगी, और इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। उसके बाद बारीक कटे हुए थोड़ा सा मैं इसमें प्याज, अदरक और लहसुन भी बारीक कटा हुआ इसमें डालूंगी, और उसके बाद कटे हुए मेथी, और फिर इसमें अभी पानी नहीं डालना है, पहले ये सारे मसालों को और मेथी को पहले अच्छी तरह से आटे में मिला लेना है। इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद जब मेथी अच्छी तरह से आटा में मिल जाए तो थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लूँगी। और इसे एक तरफ ढक करके रख दूँगी। तो चलिए फिर अब सब्जी बना लेते हैं सोया और आलू की। सबसे पहले देखिए सरसों का तेल डालूंगी। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पंचफोरन, क्योंकि मैं ये सरसों वाली सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि जब भी आप सरसों वाली सब्जी बनाएं तो पंचफोरन ज़रूर डालें, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद एक सूखी लाल मिर्च, उसके बाद इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च और लहसुन, अदरक और प्याज, इसको हल्का लाल कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। उसके बाद और एक बड़े कटे हुए टमाटर को इसमें ऐड कर देना है और अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ने लगे। देखिए मैंने सरसों लहसुन का पेस्ट, एक बड़े कटे हुए टमाटर, और इसे अच्छी तरह से भूनना है। फिर इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक मिलाएं। और इसे अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि ये टमाटर बिल्कुल मसाले में गल ना जाए। उसके बाद कटे हुए सोए को इसमें डाल देना है और मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनना है। देखिए, और ये आलू को मैं काटूंगी नहीं, इस तरह से हाथ से तोड़ के डालिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। इस तरह से मैं तोड़ तोड़ करके सारे आलू को डाल दूंगी। चाहे तो ये सब्जी आप सूखा भुना हुआ भी रख सकते हैं, नहीं तो ये ग्रेवी वाली भी आप बना सकते हैं। और देखिए मेरी अब सब्जी तैयार हो गई है,
और चाहे तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा, ये पराठे के साथ खाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी। और चलिए अब बनाती हूँ मेथी के पराठे। देखिए विंटर में ये गर्मा गर्म सोया आलू की सब्जी और ये मेथी पराठे। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा लगा आपको ये विंटर स्पेशल रेसिपी, और इसे घर पे एक बार ज़रूर, ये मैंने पराठे जो है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।